ग्वालियर जिले के पनिहार थाना क्षेत्र के कांसेर गांव में एक नहर में काम कर रहे करीब डेढ़ दर्जन मजदूरों को अज्ञात बदमाशों ने लगभग 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और बाद में वे ट्रैक्टर लूट कर गायब हो गए। किसी तरह से बंधकों ने अपने आप को सुबह 5 बजे बंधन से मुक्त कराया और अपने ठेकेदार के साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दी। दरअसल कांसेर गांव में रायपुर बांध के पास एक नहर का काम चल रहा है जिस पर मजदूर काम कर रहे हैं। ठेकेदार संजय घुरैया के मुताबिक रात को करीब 12 बजे आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश वहां पर आए और सभी मजदूरों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। मजदूरों के मुताबिक 4 बदमाशों के पास बंदूकें थीं जबकि 2 के पास अन्य हथियार थे। इन सभी को एक जगह एक दूसरे से बांधकर होस्टेज रखा गया। बाद में बदमाश वहां से ट्रैक्टर लूटकर फरार हो गए। सुबह 5 बजे किसी तरह इन मजदूरों ने अपने आप को बंधन से मुक्त कराया और पुलिस के पास पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने ठेकेदार को भी सूचना दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ADGP डी श्रीनिवास वर्मा भी पहुंच गए। उन्होंने पूरी घटना को देखने समझने के बाद इसे चुनौती के रूप में लिया और अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इसके लिए सीमावर्ती जिलों शिवपुरी और मुरैना की पुलिस से भी संपर्क साधा गया है। चूंकि कांसेर गांव सीमावर्ती इलाका कहलाता है इसलिए संभावना है कि बदमाश वारदात के बाद दूसरे जिले पहुंच गए हों, इसलिए आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। यहाँ पे ये घटना हुई थी, ये हमारा काम चल रहा है रायपुर बांध के डैम के बल से हमारा कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे रात के 12 से 1 के बीच में अज्ञात बदमाश आए थे, 4 हथियारबंद थे। इन्होंने पहले हमारे मशीन ऑपरेटर को मारा है और ऊपर से नीचे लेके मोबाइल वाले छुड़ा लिया है। फिर और भी जो स्टाफ सो रहा था हमारा 15-20 आदमी, लेबर का स्टाफ भी था, मशीन ऑपरेटर भी थे, सब लोगों के मोबाइल छुड़ाने के बाद उनको बांध दिया है हथियारों की नोक पे। फिर उन सब लोगों को बंदी बनाकर उन्होंने ट्रैक्टर DL चोरी किया, DL चोरी ट्रैक्टर ले गए वो। और फिर 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक सभी लोगों को बंदी रखा है। 4 लोगों ने 2 ट्रैक्टर ले गए थे, उसके बाद सभी लोग चले गए यहाँ से। खाना वाला भी बनाया था उन्होंने, बता रहे नहीं खाना उन्होंने खाया था यहाँ जो पार्सल रखे हुए थे। अच्छा, लगभग आप लोग कितने लोग थे यहाँ पे? हम 15 से 18 लोग थे। कितने बंदे हथियार लिए थे? 4 लोग थे। अच्छा, कैसे आए थे ये? अब ये रात का अंधेरे समय में ये पता नहीं चला है कैसे आए, बस सुबह के टाइम पे इधर को भागे, मतलब यहाँ से भाग गए। ट्रैक्टर लेके तो वो 1 बजे के टाइम भी भाग गए, 5 बजे तक बंदी बना के रखा है। फिर तुम्हें कैसे छोड़ा, कौन ने छुड़वाया? वो तो सब लोग बंधे हुए थे यहाँ पे स्टाफ, तो सब लोगों ने आपस में एक दूसरे ने छुड़ाया। हाँ, उसके बाद में हम लोगों ने थाने में सूचना दी है, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस आई थी अभी? हाँ नहीं, पुलिस तो तुरंत ही आई थी। थाना पनिहार क्षेत्र के अंतर्गत गांव कांसेर के पास में एक नहर में मजदूर लोग काम कर रहे थे, तो अज्ञात कुछ लोग आकर के उनको बंदूक के नोक पर एक ट्रैक्टर लूट के ले गए और घटना को पुलिस द्वारा गंभीरता से लिया गया है और हमारे पास कुछ जो भी सुराग है उसको फॉलो कर रहे हैं और मेहनत करके उम्मीद करेंगे कि घटना को पर्दाफाश करेंगे। कितने लोग रहे होंगे सर? अभी फरियादियों से बातचीत कर रहे हैं और जो इनके बयान आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, पुलिस के द्वारा इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया गया और मेहनत करके कोशिश करेंगे घटना का पर्दाफाश करें। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? अभी मैं सुराग मीडिया बंधुओं को दे दूंगा तो बदमाश भी मीडिया देखेगा और पेपर पढ़ेगा, तो हमारे पास कुछ सुराग जैसे कि मैंने बताया कि लगा है, तो उम्मीद करेंगे मेहनत करके इसको निकालें।